सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम तरह की जो चीजें हैं वो क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक आज से विधानसभा चुनाव की जो पहले चरण की जो चुनाव है उसकी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम को लेकर के अभी भी सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चल रही है और हो सकता है कि कुछ ही देर में सारे के सारे फैसले आ जाए कि क्या कुछ चीजें हो सकती है। कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद है इस बैठक में। अभी सीधे हम चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग के पास पे, उनसे पूछते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है और कितनी जल्दी फैसला आ सकता है, पिक्चर कितना कुछ क्लियर हो जाएगा। अनुराग बताइए कि अभी जो कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है वहां पर, तो अभी तक प्रत्याशियों के नाम को लेकर के भी चीजें जो थी वो क्लियर नहीं थी, तो क्या आज अभी कुछ देर में फैसला आ जाएगा और सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी? बिल्कुल अनामिका, जो अभी खबर आ रही है, ये बड़ी बैठक चल रही है, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार चुनाव प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है और बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहाँ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा हैं और उसके अलावा सदानंद सिंह हैं और अजय कपूर जो हैं, उसके अलावा अविनाश पांडे जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये तमाम नेता मौजूद हैं वहाँ पर। और जो है सीटों के गणित की का जो यहाँ पर अब सेटिंग गेटिंग जिसको कहा जाए कि कांग्रेस के अंदर चल रहा है, अब जो सस्पेंस है आज लगता है कि ये जो सस्पेंस है कांग्रेस भी अपनी तरफ से खत्म कर देगी। उनको जो ऑफर दिया गया आरजेडी की तरफ से 75 सीटों का जो ऑफर आ रहा था ये पीछे में कि 75 सीटें उन्हें दी जा रही है, हालांकि 75 सीटों पर भी कांग्रेस नहीं मान रही थी। दरअसल जो 75 सीटों में 10 सीटें जो आ रही थी, बात कर रही थी कि वो शहरी क्षेत्र की जो है सीटें देनी चाह रही थी, कम महत्वपूर्ण सीटें जो है वो आरजेडी कांग्रेस को देना चाह रही थी, तो कांग्रेस इस पर भी तैयार नहीं थी कल तक जो फॉर्मूले आ रहे थे। और आज जो ये नेता बैठे हैं साथ में, तो ये तमाम बातें जो है अब जो है स्थिति स्पष्ट करनी होगी अनामिका, इस बात को समझना होगा कि अब जो है, अब तो चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू हो गए यहाँ से, तो अब जो है कांग्रेस ने, अब जो दिल्ली में ये बड़ी बैठक हो रही है और हाई लेवल मीटिंग हो रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उसके बाद जो है ये फैसला एक निकल कर सामने आएगा। दरअसल इन नेताओं को ही निर्णय लेना है कि क्या करना है आगे, किस तरह से आरजेडी के साथ जाना है। अभी तक जो स्थितियां स्पष्ट नहीं है फिलहाल तेजस्वी यादव को लेकर, जो तेजस्वी यादव ने जो फॉर्मूला दिया है, आरजेडी ने जो फॉर्मूला दिया है कांग्रेस अभी तक मंजूर नहीं कर सकी है। और पिछले जो कई तरीके से फॉर्मूले आ रहे थे, बताया जा रहा था कि आरजेडी 60 सीटें तक देने को तैयार है और कुछ जो विधान परिषद की सीटें हैं वो सकती है, तो इन तमाम बातों को लेकर जो कयास लग रहे थे हो सकता है इस मीटिंग के बाद उस पर क्या जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक हो रही है, कांग्रेस से जो भी चीजें निकल करके सामने आएंगी, जो भी पिक्चर क्लियर होगा, क्या राजद भी उस चीज के लिए रेडी हो जाएगा? अगर सीट को लेकर के जिस तरीके से मनमुटाव चल रहे थे, आपस में बात नहीं बन पा रही थी राजद और कांग्रेस के बीच में, तो क्या आरजेडी भी इनके फैसले को मानने को तैयार हो जाएगी जो भी फैसला आता है कांग्रेस का? देखिए, इस बैठक के बाद एक बात है, स्थितियां स्पष्ट होंगी और जो तय करना है, जो इन नेताओं को तय करना है, ये जो है नेता तय करेंगे और बात आलाकमान तक जाएगी। बात जो है कांग्रेस के आलाकमान, जो बड़े नेता होते हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं, वो चीजों को आखिरी में तय करते हैं। तो ये जो अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, इसमें महत्वपूर्ण जो है ये है कि निर्णय ले लिया जाएगा, एक महत्वपूर्ण ये निर्णय ले लिया जाएगा कि बिहार में क्या करना है कांग्रेस को, आगे किस तरह से जाना है। उसके बाद जो बातें, जो आला कमान से अगर हरी झंडी मिलेगी तो उन बातों को आरजेडी के सामने रखा जाएगा, उसके बाद बातें तय होंगी। तो ये बात है कि अगर कांग्रेस की तरफ से ये लगभग इस मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस को आगे किस तरह से जाना है चुनाव में, ये बड़ी बात है अनामिका इस मीटिंग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। और हम चलते भी मृगेंद्र के पास में, हमारे सहयोगी मृगेंद्र भी यहाँ पर है, उनसे भी पूछते हैं। मृगेंद्र, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है इस जो मीटिंग चल रही है उसमें क्या कुछ फैसला आ सकता है? अनामिका, एक बात देखना होगा, 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था तो यही वहाँ पर जो चुनाव में सारे लोकसभा सीटों पर जो है अपना कैंडिडेट उतार दी थी कांग्रेस, और उतारने के बाद क्या हुआ था कि इसका एक बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ा था आरजेडी को और आरजेडी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग चल रही है, क्योंकि महागठबंधन में तो ना मांझी है, ना रालोसपा है, ना माले है, तो कहीं ना कहीं एक इनकी भी एक मजबूरी है, आरजेडी की भी मजबूरी है कांग्रेस, और कांग्रेस की भी मजबूरी है आरजेडी, क्योंकि यहाँ के चुनाव के लिए, यहाँ की राजनीति के लिए अगर महागठबंधन की बात करें तो एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस हट जाती है तो आरजेडी को नुकसान नहीं होगा, आरजेडी हट जाती है कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो चीजें खास करके जिस मुद्दे को लेकर के, जिन सीटों को लेकर के इनके अंदर अंतर्द्वंद है कि हम यहाँ पर लड़ना चाहिए, उनको यहाँ पर लड़ना चाहिए, तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आज की इस मीटिंग में। तो ये क्या सीट को लेकर के जिस तरीके से डिमांड हो रही थी कांग्रेस की तरफ से कि उनको इतनी ही सीटें चाहिए और राजद वो सीटें नहीं छोड़ना चाह रही थी, नहीं देना चाह रही थी, तो अभी जो होगा क्या राजद इनके फैसले को मानने को तैयार हो जाए?
मीडिया का, ये एक बड़ा सवाल होता है कि आपस में आप बैठक करके जो भी फैसला लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या राजद भी उस फैसले को मानने को तैयार है? देखिए, बहुत सारे मुद्दों पर कंसिडर किया जाता है। कई बार जब पार्टियां आपसे कहती हैं, जब पिछली चुनाव में कोई 25 सीटों पर चुनाव लड़ा है, इस बार 40 सीटों पर लड़ता है, तो कंसिडर किया जाता है कि अभी की स्थिति क्या है, अभी का मांग क्या, अभी का डिमांड क्या। तो मुझे लगता है कि जो भी नेता है इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है, क्या इशू है, किस तरह का वहां पर गठबंधन का इफेक्ट है, किस तरीके का हमारा वोट बैंक है, किस तरह का उनका वोट बैंक है। और मुझे लगता है कि पार्टी हित में जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो आरजेडी के पक्ष में जाए या चाहे कांग्रेस के पक्ष में जाए, चाहे दोनों के पक्ष में जाए, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी मीटिंग के बाद। चलिए, तो कुछ वक्त हमें और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ वक्त के बाद जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो है वो राजद और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बता सकते कि एक दूसरे के पूरक है। जीतन राम मांझी पार्टी से अलग हो चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अलग है, तो अब जो है ये दोनों ही पूरक है और इन दोनों को मिलकर के कुछ इंपॉर्टेंट करना होगा, तभी जो है कुछ अच्छा चुनाव में हो सकता है। फिलहाल इंतजार फैसले का, इस मीटिंग के बाद क्या कुछ फैसला आता है, हम वो भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ में। नमस्कार।